हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पॉकेट गुरुजी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हमारे पास है रियलमी नार्जो 50A। तो दोस्तों हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और जानेंगे इसके बारे में बारीकी से। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फाइनली हमारे पास आ गया है रियलमी नार्जो 50A। थोड़ा लेट से आया है, आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले, मतलब ये लगभग एक हफ्ते पहले ही लॉन्च हो गया था। तो हमने इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया है और ये थोड़ा लेट आया है क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके कैमरा के बारे में और इसके डिटेल्स के बारे में बारीकी से बात करेंगे। तो आइए करते हैं फटाक से इसकी अनबॉक्सिंग। तो अब दोस्तों हमारे पास है रियलमी नार्जो 50A का बॉक्स। तो इसको देख के आपको पता नहीं कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, लेकिन मुझे याद आ रहा है हॉनर का। जब मैं हॉनर का फ़ोन खरीदता था पहले, तो उसका जो बॉक्स है इस टाइप का ही रहता था। तो अगर आपने भी कभी लिया होगा तो आपको भी हॉनर का याद आएगा इसको देख के। तो अब दोस्तों बात करते हैं जो हमारे पास वेरियंट है ना इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास वेरियंट है, ये है 4 128 GB का। और वहीं पर कुछ मेन फीचर्स की इसकी बात करते हैं, यहाँ पर आपका नार्जो 50A हीलियो G85 गेमिंग प्रोसेसर है। और यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और वहीं पे 50 MP का ट्रिपल कैमरा और 18W का क्विक चार्जर भी दिया गया है। जल्दी से दोस्तों करते हैं इसको अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे ये हमारा खुल गया रैपर और यहाँ से इसको करते हैं अनबॉक्स। और आप यहाँ पे दिखेगा आपको, सबसे पहले खोलते ही दिखेगा फील द पावर, और यहाँ पे नार्जो का वो दिया गया है। और यहाँ से हम इसको उठाते हैं और इसमें जो है दोस्तों, सबसे पहले इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। इसमें इजेक्टर है आपके पास एक, जो कि आपके यूज़ में आ सकता है। और ये फालतू चीज़ है, इसको तो आप कभी पढ़ेंगे नहीं, तो चलते हैं इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास फ़ोन है तो इसको निकालते हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 18W का फास्ट चार्जर और साथ ही साथ इसमें मिलेगा आपको एक सी टाइप का केबल। और दोस्तों इसमें कोई भी आपका कुछ भी नहीं दिया गया है, यानी कि ना ही ईयरफोन है और ना ही कुछ इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको भी रखते हैं साइड में और हम बात करते हैं अपने फ़ोन के बारे में। दोस्तों हमारे हाथ में है फ़ोन और ये इसके बैक पे रहता है, तो इसको भी हटा देते हैं और यहाँ से इसको करते हैं, ये हमारा खुल गया। और यहाँ पर देख सकते हो, ओ माय गॉड क्या दिया गया दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं इसने रियलमी ने क्या किया है इसमें। यहाँ पे आपके कैमरे के साथ में, ये आपके साथ में जो सेंसर है फिंगरप्रिंट सेंसर, इसको भी साथ ही में कर दिया। ये देख के बहुत ही, मतलब यूनिक फील हो रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के। आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा दिया गया है और एक फ्लैश लाइट दी गई है, और साथ ही साथ यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। पीछे स्टिकर है रियलमी का। और फटाक से हम इसको करते हैं ऑन, ये मैंने प्रेस किया और ये खुल गया। और यहाँ पे दोस्तों जब तक ये ओपन हो रहा था तब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो आप, सी टाइप का पोर्ट देखने को मिलेगा आपको, और वहीं पे आपको 3.5 mm का जैक भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका स्पीकर है और यहाँ पे ये माइक दिया गया है। और हम इसके साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे है पावर ऑन ऑफ बटन और यहीं पे वॉल्यूम अप डाउन दिया गया है। और ऊपर साइड में बात करें तो कुछ भी नहीं है। और इस साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको सिम, मतलब सिम पोर्ट देखने को मिलेगा। तो बाकी कुछ है नहीं, चलिए हम करते हैं इसको ऑन। तो दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है। और साथ ही साथ बात करें इसके बैक पैनल के बारे में, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक का बैक पैनल देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, मतलब ग्रिप दिया गया है, तो आपको फ़ोन पकड़ने में बहुत ही अच्छा फील होगा। तो चलिए फटाक से करते हैं इसका सेटअप और बताते हैं इसके अंदर क्या क्या आपको दिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं, जल्दी से फटाक से करते हैं गेट स्टार्टेड। और आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो कुछ परमिशन है जो आपको देनी पड़ेगी, तो बाद में बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन उसके पहले हम दोस्तों जाते हैं सिंपली, सबसे पहले जाते हैं इसके सेटिंग में और वहाँ पर देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे आपको इनबिल्ट एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे इसमें, मतलब पहले से इंस्टॉल हुए। और यहाँ पे वो क्या क्या मिलता है, जोस मिलता है, बहुत सारे चाइनीज ऐप्स देखने को मिलेंगे इसमें, स्नैपचैट हो गया, ये सब हो गया। तो जल्दी चलते सेटिंग में और बात करते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ भी। तो फ़ोन खरीदते टाइम आपको ध्यान रखना इन सब बातों का। और यहाँ पर हम आ गए अबाउट में। अबाउट में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 11 पर ये बेस होगा, और जो इसका रियलमी UI वर्जन V2.0 दिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों इसमें 128 GB में से 108 GB अवेलेबल है। और यहाँ पे अभी सिम लगाया नहीं है, तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। मॉडल जो है इसका RMX 3430 है।
और बैक करते हैं और चलते हैं। तो चलते बैक, यहाँ पे हम देखते हैं इसका बैटरी क्या है, बैटरी पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये लगभग 63% चार्ज है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑन सिंस लास्ट फुल चार्ज 5 मिनट दिखा रहा है और अवेलेबल दिखा रहा है 1 डे और 13 मिनट ये चलेगा अगर इतना परसेंट आपका चार्ज है तो। और पावर सेविंग मोड भी दिया गया है और सुपर पावर सेविंग मोड भी दिया गया है। आप दोस्तों देख सकते हो अगर ये टर्न ऑन करते हो तो आपका जो परफॉर्मेंस है रोक दिया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ये आपकी बैटरी बैकअप देगा। तो दोस्तों चलते हैं बैक और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे अगर हम कोई एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करना चाहें हमारे जो इनबिल्ट है तो यहाँ पे ये अनइंस्टॉल हो जा रहा है। और साथ तो यहाँ दोस्तों रियलमी ने अपना एक पेमेंट ऐप डाला हुआ है फिनसेल करके, यहाँ देख सकते हो फिनसेल पे यहाँ पे दिखा रहा है ये जो है हमारा शायद ये अनइंस्टॉल नहीं होगा, देख लेते हैं यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है। ऐप इन्फो पे जाओगे तो यहाँ पे भी अनइंस्टॉल करने का यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, डिसेबल भी नहीं दिखा रहा, डिसेबल भी इसको आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे कुछ ऐप मिल जाएंगे जो आपके नहीं डिलीट होंगे और बहुत ही सारे ऐप जो होंगे वो डिलीट भी हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों चलते हैं हम कैमरे पे, यहाँ पे देख लेते हैं इसके कैमरे सैंपल के बारे में। तो और जो भी कैमरे सैंपल होंगे वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे HDR का ऑप्शन दिया गया है और बाकी सब यहाँ पे गूगल लेंस भी दिया गया है, पोर्ट्रेट मोड और ये यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 50mm का भी फीचर दिया गया है। और मोड पे जाते हो आप तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, स्लो मोशन भी है इसमें, टाइम लैप्स भी है, एक्सपोर्ट मोड भी है, प्रो मोड और ये पानो मोड दिया गया है, अल्ट्रा माइक्रो मोड भी दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ थे दोस्तों इसके मोड, यहाँ पे आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे चलते हैं इसके सेटिंग में देख लेते हैं कि कौन कौन सा रेजुलेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो रेजुलेशन पे हम आ गए हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इसमें आपको मिलता है 1080p का और 720p का वीडियो रेजुलेशन, इससे ज़्यादा आप इससे रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। और यहीं पर आप दोस्तों कुछ और भी सेटिंग आप देख सकते हैं इसको, फिंगरप्रिंट शूटिंग भी दिया गया है इसमें, फिंगरप्रिंट आप दबाओगे तो अभी ये शूट होने लग जाएगा और लोकेशन तो होता ही है। शटर साउंड भी आप बंद कर सकते हो इसका। तो ये तो दोस्तों कुछ खास फीचर्स हैं, यहाँ पर नाइट मोड भी दिया गया है, आप नाइट आप फोटो क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों बैक करते हैं और इसका जो सिम ट्रे है इसको करते हैं ओपन, देखते हैं इसमें क्या क्या आपका लगेगा, मेमोरी कार्ड लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये हमने निकाल लिया, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों दो सिम और मेमोरी कार्ड एक ही साथ में लगा सकते हो आप, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। और इसको डालते हैं अंदर। तो यही था दोस्तों इस फोन में, बाकी आपको ये फोन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपका क्या कहना है रियलमी नार्जो 50A के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये अनबॉक्सिंग पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलता है अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।